नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, ये परियोजनाएं मॉरिशस के विकास के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति आतंकवाद के लिए बड़ा झटका है और इससे जम्मू कश्मीर के विकास की बाधाएं दूर होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने माने वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को बुजुर्गों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए वयोश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस मुख्यालय में चाकू से हमले में चार पुलिस अधिकारियों की मौत, हमलावर भी मार गिराया गया। और विशाखापत्तनम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 502 रन पर पहली पारी घोषित की। मेहमान टीम ने केवल 39 रन पर 3 विकेट गंवाए। समाचार संध्या के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं हैं मेट्रो एक्सप्रेस प्रथम चरण और नए ईएनटी अस्पताल की स्थापना। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों परियोजनाएं मॉरिशस के विकास के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, विरासत और सहयोग के एक नए युग का शुभारंभ है। वी आर प्राउड दैट इंडिया हैज पार्टनर्ड मॉरिशियस इन दिस एंड अदर प्रोजेक्ट ऑफ डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट इंडिया विल सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रीनल यूनिट एज वेल एज मेडिक्लिनिक एंड एरिया हेल्थ सेंटर। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस लोगों को स्वच्छ, दक्ष और तेज परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी तथा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कान, नाक और गला यानी ईएनटी अस्पताल से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर श्री जगनॉथ ने कहा कि मॉरिशस की जनता इनके लिए भारत की आभारी रहेगी। We are deeply grateful for your personal involvement in the achievement of this first phase of the Metro Express. Without India's support and assistance, we would never have progressed so quickly. Iske liye Mauritius ki janta hamesha Bharat ka abhari rahegi. 2016 में भारत ने मॉरिशस को 5 परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ 30 लाख डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने से आतंकवाद को बड़ा झटका लगा है और राज्य के विकास के रास्ते खुले हैं। श्री शाह आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद बोल रहे थे। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद और आतंकवादियों के विचारधारा को संपूर्ण उन्मूलन करने में हमें सफलता मिलने वाली है। कश्मीर के विकास में जो अवरोध थे वो सारे अवरोध हट चुके हैं और मुझे भरोसा है 10 साल के अंदर हमारा कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आएगा और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में देश के 6,500 स्टेशनों में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दिन में 2 बजे कटरा पहुंचेगी। ये रेलगाड़ी अम्बाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी स्टेशनों पर 2-2 मिनट रुकेगी। उसी दिन ये रेलगाड़ी दिन में 3 बजे वापस कटरा से रवाना होकर रात 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। मंगलवार को छोड़कर ये सप्ताह के सभी दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत को श्रद्धालुओं के लिए नवरात्र का उपहार बताया है। उन्होंने कहा है कि इस रेलगाड़ी से संपर्क और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे? दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी। अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो? दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी। और बच्चे को दस्त लगे तो?
क्या हुआ? दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या? दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS है ना, साथ में जिंक भी देना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में वृद्धजनों की सेवा में लगे जाने माने वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को 2019 के वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को उनके परिवार और खासकर युवाओं से सम्मान तथा आदर मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए वृद्धजनों के सम्मान की प्राचीन भारतीय परंपरा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत योजना से बुजुर्गों को काफी लाभ हुआ है। सभी वरिष्ठ जन हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। मुझे बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें उनके जीवन को सुगम और सुचारू बनाने के अनेक उपाय कर रही हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वृद्धजनों को भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने चार उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने सिरपुर से काशीराम पावरा को और सकौली से प्रणय फूके को खड़ा किया है। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। राज्य में 21 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा, 24 अक्टूबर को परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट। आज जिन प्रमुख हस्तियों ने अपना नामांकन दाखिल किया उनमें राज्य के भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ राज्य मंत्री पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, सुरेश खड़े और सुभाष देशमुख शामिल हैं। राजनीतिक परिवार से जुड़े आदित्य ठाकरे और धीरज देशमुख ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस की मौजूदा विधायक प्रणीति शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के धनंजय मुंडे और जितेंद्र आवाड़ ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक नितेश राणे ने आज भाजपा में प्रवेश कर कनकवली से चुनाव लड़ने की तैयारी दर्शाई। मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संजय निरुपम ने पार्टी से नाराजगी व्यक्त करते हुए चुनाव अभियान में शामिल न होने का निर्णय लिया है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कांग्रेस ने भी आज विधानसभा की बाकी 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इससे पहले कांग्रेस ने हरियाणा से अपने 84 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा में आज बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। हरियाणा में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए। इस बीच जननायक जनता पार्टी ने सुबह 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो शाम को 5 उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने भी आज 6 उम्मीदवारों की दूसरी एवं अंतिम सूची जारी की, जिसके बाद तंवर समर्थकों ने पोस्टर दिखाकर पार्टी नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी आज पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि पार्टी द्वारा उन्हें किनारे किया गया है। तंवर ने कांग्रेस की सभी समितियों से भी इस्तीफा दे दिया है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के लिए इस महीने की 21 तारीख को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी। पुदुचेरी में 21 अक्टूबर को होने वाले कामराज नगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 9 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन आज 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। अब 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार होंगे, जबकि पार्टी ने बिहार से पूर्व लोकसभा सदस्य सतीश दुबे को प्रत्याशी बनाया है। ये 2 सीटें पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी के निधन से खाली हुई हैं। जम्मू कश्मीर में निर्वाचित पंचों और सरपंचों ने आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में राज्य प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग संविधान के 73वें संशोधन को जम्मू कश्मीर में लागू किए बिना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल BDC के चुनाव कराए जाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पैसे देकर छापी जाने वाली खबरों से फर्जी खबरें ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ सरकार और मीडिया को मिलकर काम करने की जरूरत है। नई दिल्ली में आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज को रोकना ही होगा और ये केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, सभी को इसके लिए मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि जो लोग सही समाचारों के व्यवसाय में हैं, उन्हें इसे रोकने के लिए संघर्ष करना होगा। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार के प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाने और व्यापारियों के लिए गोदाम में प्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद देश के कुछ भागों में खुदरा और थोक बाजारों में प्याज के दाम घटने शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली में आज श्री पासवान ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षित भंडार से अब तक 18,000 टन प्याज बाजार में उपलब्ध कराया गया है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन कर की गई अकारण गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रक्षा सूत्रों ने बताया कि जिले के उड़ी क्षेत्र में रुस्तम चौकी के पास पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोले बरसाए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मारे गए व्यक्ति की पहचान की जा रही है। ऐसी आशंका है कि मृतक सेना का कूली हो सकता है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस मुख्यालय में एक व्यक्ति ने चार पुलिस अधिकारियों की छुरा घोप कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि हमलावर किसी प्रशासकीय पद पर कार्य करता था। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार हमलावर को पुलिस कार्यालय में ही मार डाला गया। हमलावर के इरादों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। बुधवार को फ्रांस में हजारों प्रदर्शनकारियों ने हाल के दिनों में अपने साथियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा प्रबंधन सम्मेलन आज से कोलकाता में शुरू हो गया है। चार दिन के सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के हितों में सीमा संबंधी विभिन्न मुद्दों को हल करना है। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रतिबंधित वस्तुओं, हथियारों, नकली मुद्रा की तस्करी रोकने के साथ ही नागरिकों पर होने वाले हमलों और विकास संबंधी लंबित कार्यों पर चर्चा होगी। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्ग ब्रैंड ने कहा है कि निर्णायक नेतृत्व से भारत का पूरे विश्व में महत्व बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट के प्रारंभिक लेख में श्री ब्रैंड ने कहा है कि अगले 5 वर्ष में 50 खरब डॉलर और अगले 15 वर्ष में 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने की परिस्थितियां बन गई हैं। नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आशा नहीं की जाती है कि वे बेहद सस्ती कीमत या बड़ी पूंजी के बल पर सस्ते दर पर कच्चे माल की खरीद करें। श्री गोयल का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि कुछ ई खुदरा कंपनियों द्वारा ई व्यापार में मानकों का तोड़ निकाल लिए जाने पर कुछ व्यापारियों और सरकार ने चिंता व्यक्त की है। बिहार में पटना, भागलपुर, समस्तीपुर और वैशाली के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 67 लोग मारे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। पुनपुन नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते तटबंध पर खतरा उत्पन्न हो गया है। पुनपुन और परसा रेल स्टेशनों के बीच बाढ़ का पानी आ जाने के कारण पटना गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। संवेदनशील इलाकों में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच पटना के निचले इलाकों से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। लगभग 2 लाख लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज 7 विकेट पर 502 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। मयंक अग्रवाल ने 215 जबकि रोहित शर्मा ने 176 रन का योगदान दिया। आज के दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। भारत की ओर से अश्विन ने 2 जबकि जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका भारत से 463 रन पीछे है और उसके साथ खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा ये परियोजनाएं मॉरिशस के विकास के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 की समाप्ति आतंकवाद के लिए बड़ा झटका है और इससे जम्मू कश्मीर के विकास की बाधाएं दूर होंगी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने माने वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को बुजुर्गों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए वयोश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस मुख्यालय में चाकू से हमले में 4 पुलिस अधिकारियों की मौत, हमलावर भी मार गिराया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।